लोग अलग अलग सिटीज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आज के इस कार्यक्रम में। और मैं हूँ सिद्धार्थ, और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मैं दिल्ली में इस समय हूँ, और पूरे दिल्ली में, चूंकि वो देश की राजधानी है, तो वहां से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया की तरफ से मैं भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। और जब भी कहीं अलग जी आपसे बताऊं कि जब मैं फिजिक्स वाला की बात, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा बेटा जब फिजिक्स, जब उसको ये पता चला दिल्ली में कि फिजिक्स वाला, अरे अलग पांडे सर आने वाले हैं, तो वो क्रेज, वो जुनून, वो जोश, वो एनर्जी, वो मतलब उसको कंट्रोल करना कि बेटा शांत हो जा, अभी आए नहीं है, ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिजिक्स वाला क्या कहें हम, पढ़ लो चाहे जहां से, सर कैसे कर पाते हैं ये, क्या होता है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन और इतना काफी बड़ा इंट्रोडक्शन, काफी ज्यादा फील हुआ मुझे, तो थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले जितने ही बच्चे सुन रहे हैं, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम, तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आई लव यू ऑल, एवरीवन हु इज हियरिंग। एंड सर, हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि जयपुरिया के साथ हम लोग कुछ आगे कर पा रहे हैं, यहाँ से इस रिलेशनशिप को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, एक ड्रीम कम ट्रू है हम लोग के लिए भी, और बहुत सारे बच्चों तक हम लोग पहुँच पाएंगे, जो हम लोग का हमेशा से ड्रीम रहा है कि वी रीच मोर एंड मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जयपुरिया के साथ आने से और इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन से डेफिनेटली हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू योर टीम, थैंक्स टू जयपुरिया, एंड ऑफ कोर्स लव टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी मैं एक्चुअली थोड़ा सा बाहर निकला था, मैं बैंक के ही एक जगह से ऐसी सड़क से ऐसी मीटिंग ले रहा था एक जगह। वाओ, क्या बात है, तभी तो सर वो फिजिक्स वाला है। तो मैंने अभी गाड़ी सारी लगाई यहाँ पे, फिर मैं बाहर जगह बैठ गया बात करने के लिए। तो मैं अलग जी आपसे बोलूं कि अगर जब आप ना इन सब चीजों के साथ जब आप कहते हो ना कि मैं कहीं जा रहा था, मैंने गाड़ी लगाई, मैं सड़क पे उतरा, तो ऐसा लगता है कि वो रूट्स आपकी ना वो वहीं पे हैं, ये सबसे बड़ी आपकी शख्सियत की ना वो शोभा बढ़ा देता है, और हम सबके दिलों में ना वो प्यार और भी दुगना चौगुना हो जाता है। मैं भी इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का हूँ, तो मुझे बड़ा एक कनेक्शन सा लग रहा है कि आप मतलब आपको सुनना, आपको देखना, आपको समझना। अभी परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी की मैं ये बच्चों को बता रहा था कि अभी जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ, मैं उसका संचालन कर रहा था मोदी पीएम के पास, और उसकी जो लाइव कमेंट्री थी वो लोगों तक पहुंचा रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस हैंगओवर से वापस नहीं आया था कि अभी मोदी जी का हैंगओवर 2.5 घंटे उनको लगातार सुना, उनके इतने करीब उनसे बात किया, और उसके बाद प्रदीप ने मुझे आपसे मिला दिया, तो अब ये हैंगओवर मेरा चलने वाला है। तो पूरे बच्चे एक्साइटेड हैं सर, बताइए। दैट्स ग्रेट, तो जितने भी बच्चे यहाँ मुझे सुन रहे हो, और आजकल मैं एक ही चीज सबसे ज्यादा बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये रिसेंट टाइम में मैंने ये देखा है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी of preparation, be it IIT JEE boards की तैयारी हो, NEET की तैयारी हो, competitive exams की preparation हो, इस पूरी जर्नी में एक चीज जो भारत के बच्चे इस टाइम मिस करने लगे हैं वो है इस जर्नी को enjoy करना, और बहुत स्ट्रेस में, बहुत परेशानी में, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में बच्चे गिरे हैं, और ये कितनी खराब चीज है। मतलब अल्टीमेटली पढ़ाई या कोई भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, ये सब इसलिए बना था कि आप एक अच्छी लाइफ जियो, और आप देख रहे हो कि कितना बड़ा आयरनी है कि उसी वजह से आज हमारी लाइफ खराब है। तो मैं सारे बच्चे जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनसे यही कहना चाहूंगा कि एंजॉय दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है, इसको एंजॉय करो, एंजॉय द जर्नी, लाइफ इज सो अनसर्टेन, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, और इस जर्नी को एंजॉय करो, एंड हो सकता है ये पर्टिकुलर क्लास 10th का एग्जाम, ये पर्टिकुलर क्लास 12th का एग्जाम, ये IIT का एग्जाम, NEET का एग्जाम ना निकले, और निकले भी तो हो सकता है अपना मनपसंद का कॉलेज ना मिले। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये एक कॉलेज, एक एग्जाम, एक कंपटीशन कभी भी आपको डिफाइन नहीं कर सकता है, नेवर इट कैन डिफाइन यू, और ये कभी आपकी मंजिल नहीं हो सकता, किसी इंसान की मंजिल नहीं हो सकती कि मैं IIT बॉम्बे जाऊँगा, कि मैं IIT दिल्ली जाऊँगा, ये किसी इंसान की मंजिल नहीं कि मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा, मंजिल होती है मैं भारत का बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा, मंजिल होती है कि मैं भारत में गूगल जैसी एक नई पूरी कंपनी इस्टेब्लिश कर दूंगा, ये एक मंजिल होती है। मंजिल कोई कॉलेज, कोई कंपटीशन नहीं हो सकती है, मंजिल ये होता है कि हाँ मैं भारत के लोगों के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, मैं बाहर के लोगों के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा कोड लिखूंगा
जैसे मैं ऑनलाइन सब्जी बेचूंगा, दैट कैन मतलब कैन बी एनीथिंग, बट मंजिल आपकी ये नहीं हो सकती कि कॉम्पिटिशन हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हो सकता हूँ आईटी का पेपर ना निकले, हो सकता हूँ नीता निकले, टेंथ का पेपर खराब हो, ट्वेल्थ का भी खराब हो सकता है, बट इससे आपकी डेस्टिनेशन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका रूट चेंज हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ बच्चों को कि रास्ते बदलो पर अपनी मंजिल नहीं बदलो, और रास्ते बदलते रहेंगे, बी लाइक वाटर, फ्लो लाइक वाटर, जहां जगह मिले वहां से फ्लो कर जाओ, बट एंजॉय दिस प्रोसेस, एंजॉय दिस जर्नी। तो एंड मैं एक चीज और देखता हूँ कि आजकल हम सब जो है, हम सब पूरे टाइम यही बात करते हैं कि यार मेरे पास उतने अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, यार मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं है जितना मेरे दोस्त के पास मोबाइल उतना अच्छा है, या मेरे नंबर 84 आ रहे हैं मेरे दोस्त के 96 आते हैं, यार मेरे कितने कम नंबर आ रहे हैं, या मेरे 95 आ रहे हैं उसके 98 आ रहे हैं, मेरे कितने कम आ रहे हैं। हम ये बात करते हैं हमारे पापा के पास तो यार वही सस्ती थी यार 15 लाख की गाड़ी है, मेरे दोस्त के पापा के पास तो 40 लाख की गाड़ी है। तो इन सब में ना हम लोग ये थैंकफुल होना भूल जाते हैं कि आज हम यहाँ पे हैं, हमारे आज पूरी बॉडी सही से वर्क कर रही है, बींग फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, एक फैमिली है, हैप्पीनेस है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, ये जो खुशी है ना इसको हम लोग मिस कर रहे हैं पूरी तरह से, और कभी खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th में, 12th में हो, सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करो कि आप यहाँ तक आ गए हो, सो यू डिजर्व अप्रिसिएशन कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े पॉपुलेशन है, उसमें से कितने ही बच्चे होते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, एंड यू आर सॉरी एंड यू आर वन ऑफ द लकी कि आप इतनी फॉर्मल एजुकेशन लेके यहाँ तक पहुंच गए हो, आप इतने नॉलेजेबल हो गए हो, इतने लिटरेट हो गए हो, एंड दिस इज मोर देन इनफ सो फॉर अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। तो कम से कम खुद को इस चीज के लिए तो अप्रिशिएट करो कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। मैं देखा लोग अपने ऊपर बहुत हार्ड रहते हैं पूरे टाइम, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ, तू यहाँ तक पहुंच गया ना, ये बहुत बड़ी बात थी, कई लोग यहाँ तक ही नहीं पहुंचते। उसके अप्रिशिएट करो, ब्लेस्ड रहो, ऊपर वाले का शुक्रिया करो, जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हो ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि आप यहाँ तक आए हो, और इसके आप आगे आपको हसल जारी रहेगी, पर इसके साथ ही आप खुशी से भी हो। तो आजकल मैं यही बातें बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ। जी बहुत अच्छी बातें आपने बताई, मुझे लगता है ना कि बच्चों का जो एनर्जी लेवल है, और आप जब जहां पे हैं, आपकी स्टोरी पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है, और बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन के सोर्स हैं कि लिमिटेड रिसोर्स, कभी भी ये हार नहीं माननी है, और बहुत सारी चीजें जो भगवान हमें उस रास्ते तक, मंजिल तक पहुंचने में जो हर्डल्स आती हैं वो एक मुश्किल होती है जरूर है, लेकिन उसको जब हम पार कर लेते हैं तो उसका मजा, उसका जुनून, उस सक्सेस का जो स्वाद होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्या कहेंगे, कई बार बच्चे अच्छा नहीं कर पाते, देखिए हम सबके घरों में बच्चे हैं और वो कई बार अच्छा एग्जाम में कर नहीं पाते, तो बड़े वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, कैसे करें उसको? ये स्ट्रेसफुल होने के तो वैसे मल्टीपल रीजन है, कई बार इसमें मुझे लगता है इसमें बच्चों से ज्यादा हम सबको चेंज होना होगा एज अ सोसाइटी। अगर यहाँ पेरेंट्स सुन रहे हैं तो पेरेंट्स को चेंज होना होगा। तो इसमें तो हमें लगता है पूरे अवेयरनेस की एक जरूरत है कि बच्चा एक एग्जाम दे के आता है, उससे परेशान हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। इसमें मुझे लगता है लाइफस्टाइल का भी काफी कुछ फर्क पड़ता है कि बच्चे ने अपनी लाइफस्टाइल कैसी मैनेज कर रखी है, घर वालों ने उसको कैसा शेप किया है, कैसा उसको बनाया। मैं इसको अपनी कहानी के थ्रू समझा सकता हूँ कि मैं बीटेक के थर्ड ईयर में था और मैंने एग्जाम नहीं दिए, मैं तो अपना कॉलेज छोड़ के वापस आ गया इलाहाबाद, और साहब मैं जब वापस इलाहाबाद आया तो मेरे को 5,000 की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे उस समय कि 5,000 की नौकरी मिल जाए तो मैं अपने घर का किराया दे पाऊँ और बैंक में जो एजुकेशन लोन मेरे बाप ने मेरे लिया है मैं वो दे पाऊँ। तो मैं तो उस हालत में था, और वो 5,000 की नौकरी के लिए मैं टहला, एक जगह गया, वहाँ मेरे को फिजिक्स पढ़ाने का मौका मिला, और मैंने बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाई थी उस जमाने के हिसाब से, मेरे हिसाब से, मेरे जितना मुझे आता था, और मैंने इतनी अच्छी फिजिक्स पढ़ाई की, कोचिंग का जो संस्था का जो डायरेक्टर था, निर्देशक थे, वो भी फिजिक्स के टीचर थे, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया उस कोचिंग से कि तू इतनी अच्छी पढ़ा रहे हो कि बच्चे बोल रहे हैं तुमसे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे से वो 5,000 की नौकरी भी चली गई, पर वो 5,000 की नौकरी जिस दिन गई ना सर, मतलब उसके नेक्स्ट डे मैं खड़ा हो गया कि दूसरे की नौकरी मांगने की, मेरे को यार कहीं और फिजिक्स पढ़ानी है, मैं बैठूंगा भी नहीं एक दिन, मैं वापस उठ के वापस मेहनत करूंगा, दूसरी नौकरी मांगूंगा। और ये सब तब हो रहा है जब मैं बीटेक करने गया हूँ, जिस कॉलेज के लिए मैंने लोन लिया, कॉलेज में छोड़ चुका हूँ, ये तब हो रहा है जब मेरे ऊपर एक एजुकेशन लोन है, ये तब हो रहा है जब मेरे ऊपर मेरी मौसी का, बुआ का, सबका कर्जा है, ये तब हो रहा है जब मेरे घर पे एक कमरे का घर है, पर्दा लगा के हम लोग उसमें पूरी फैमिली रह रही है, और उन हालातों के अंदर जब मतलब वो बहुत ही बुरे हालात थे, मतलब ऐसे घर में रह रहे हैं जिसका किराया 1,200-1,300 रुपए, स्लम में रह रहे हैं, और उस हालातों के अंदर मैं ये सब करके आया था। पर मैं नेक्स्ट डे उठा कि नहीं यार मेरे को दूसरी नौकरी करनी है, मेरे को फिजिक्स पढ़ानी है, तो मेरे अंदर था कि मेरे को करना है ये। फिर मैं गया, एक जगह पार्टनरशिप मिली, किस तरह से काम हुआ, वहां मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू की, तो वहां 5,000 की जगह 7,000 मिलने लग गए, धीमे धीमे करते चलने लग गया। पर पैशन नहीं था, मतलब पैशन नहीं खत्म हुआ, लाइक मैं घर पे दिन भर बैठ के उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिन भर बैठ के पढ़ रहा हूँ, 3D मॉडल्स बना रहा हूँ,
एनिमेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पोस्टर बना रहा हूँ, फेसबुक पेज चला रहा हूँ, यूट्यूब चैनल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मीम्स बना रहा हूँ नई जनरेशन के लिए। तो